अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन में निश्चित सफलता के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। यह है सामान्य ज्ञान की बुक जो कि आती है यूनिक पब्लिशर की तरफ से। आप देखेंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में 80% के आसपास क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जाते हैं और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये NCERT से लिए गए होते हैं, यानी कि आपको पता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए NCERT की बुक कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। ढेर सारे परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं NDA, CDS, क्लैट, पुलिस, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, रेलवे, SSC, DSSB, इन सारी परीक्षाओं के लिए आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस बुक को ख़रीदने पर आपको ऑनलाइन फ्री कंटेंट भी मिलेगा और इन मानचित्र के द्वारा समझाया गया है कि इसके विभिन्न फ़ायदे क्या है। गौर करें इसके विषय सूची पर तो आप देखिए इसकी विषय सूची को कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। हर एक पॉइंट का एक चैप्टर बनाया गया है। यहाँ पर प्राचीन इतिहास है और यहाँ पर देखिए सिंधु सभ्यता अलग है, वैदिक युग अलग है, जैन धर्म अलग है, बौद्ध धर्म अलग है। तो हर एक पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप देखेंगे कि यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको अलग अलग करके दिया गया है। सेम उसी तरह मध्यकालीन इतिहास में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि उसी तरह अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज उसे कवर करने की कोशिश की गई है। अब जो भी चीज़ आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसके पहले ही पेज पे आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है और आपको इसको कैसे पढ़ना है। जैसे कि इतिहास में देखिए सबसे पहले दे दिया गया है कि आपको प्राचीन इतिहास में ये सारे पॉइंट पढ़ने हैं, मध्यकालीन में इतना पढ़ना है, आधुनिक भारत में इतना और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए इतना। तो इस तरह आपको पहले ही पता चल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया गया है। कई बार बस आप इतना पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य टाइम है ये 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व है। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया जाए कि जॉन मार्शल के मुताबिक इसकी तिथि कितनी है, तो इसलिए उसको टेबल वाइज यहाँ पर किया गया है ताकि आपका परीक्षा में कोई भी सवाल ना छूटे। जो भी महत्वपूर्ण है आपको कलर और टेबल में बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो भी आधुनिक काल में युद्ध हुए उनको एक ही टेबल में रख दिया गया है ताकि अगर आप एक ही पेज पढ़ लें तो आपको आधुनिक काल के सभी युद्धों के बारे में सटीक जानकारी हो जाए, जैसे कि विजेता कौन था, कब हुआ और उस युद्ध का नाम क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी अनुच्छेद 32 है उसमें कौन कौन से अधिकार आपको मिलते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने में, इसको यहाँ पर एक ग्राफ के द्वारा बताने की कोशिश की गई है। तो आप ग्राफ के माध्यम से किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख पाएंगे इस बुक को खरीद करके। यहाँ पर देखिए लोकसभा के जो भी अध्यक्ष रहे हैं अब तक उनको यहाँ पर दिखाया गया है फोटो के साथ, अवधि कितने दिनों तक काम किए, कौन सी लोकसभा थी ये यहाँ पर दिया गया, उनकी पार्टी क्या थी, सब कुछ। तो यहाँ पर अगर आप विज्ञान पे गौर करें तो जो भी चीज़ें हैं उनको एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर प्रक्षेपण है जो कि इसरो के द्वारा भेजे जाते हैं, PSLV है, GSLV है, इनकी ऊंचाई कितनी होती है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे कि जो मार्केट में अन्य बुक उपलब्ध है वहाँ पर नहीं मिलती हैं, इसलिए ये बुक जो मार्केट की अन्य बुकें हैं उनसे बेस्ट है। बुक के अंत में आपको बेसिक जनरल नॉलेज मिलेगा जहाँ पर आपको विश्व में प्रथम, भारत में प्रथम, छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर अगर एक लाइन में कहें तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आप इस बुक को जरूर बाय करें। डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यूनिक पब्लिशर की और भी बुक आती हैं, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर यूनिक पब्लिशर के वेबसाइट पर जा करके आप उनको खरीद सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।